हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेरीज यहाँ पे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ के यहाँ पे मैंने अभी कमेंट जो हैं ले लिए हैं, जो कॉमन सभी के आ रहे हैं कमेंट, तो वो मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी की क्वेरीज के ऊपर फिर ये मैंने सोचा कि स्पेशल वीडियो ही बना दी जाए। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कमेंट आए थे, और प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जिसको अर्जेंट होगा, क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि, और फिर बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो अर्जेंट हो तो आप लिख दिया करो अर्जेंट। तो सभी अभी अर्जेंट लिख रहे हैं, तो सभी का तो रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बट जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ओके। और चलिए अभी मैं देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि क्या सभी की काउंसलिंग कैंसिल हो गई है। तो दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें जो है मैंने एक नोटिफिकेशन बताया था, HP की तरफ से आया था, तो उसमें जो है एक जो काउंसलिंग है वो कैंसिल की गई थी, और उसके साथ ही उन्होंने रीशेड्यूल भी कर दी थी, मतलब जो न्यू डेट्स हैं वो भी दे दी गई थी। तो जो दोस्तों जो मैंने नोटिफिकेशन बताया सिर्फ वही कैंसिल हुई है, और कोई काउंसलिंग आपकी कैंसिल नहीं हुई है। वैसे जो शेड्यूल है उसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, बस जो एक मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, जो पहले वाली वीडियो है, बस वही एक काउंसलिंग कैंसिल है, और इसका रीशेड्यूल उन्होंने दोबारा से न्यू डेट्स भी उसकी दे दी हैं, ठीक है। वो भी इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि वहाँ पे माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि PG के एग्ज़ाम भी किसी और कॉलेज में भी हो रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से जो काउंसलिंग थी उसको भी रीशेड्यूल अभी कर दिया गया है फिलहाल के लिए, बाकी सभी की काउंसलिंग जैसे शेड्यूल है वैसे ही होंगी, ओके। चलो ये तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ रहा है कि क्या रीअपियर एग्ज़ाम अभी दिए हैं, एडमिशन मिलेगी क्या। तो दोस्तों देखो आपका ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि जिन्होंने रीअपियर के अभी एग्ज़ाम दिए हैं क्या उनको एडमिशन मिलेगी। दोस्तों देखो आपको याद होगा, अगर आप में से किसी ने फॉर्म खुद फिल किया होगा तो आपको याद होगा कि जब आपने BEd का एंट्रेंस फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन आता है ग्रेजुएशन में पास्ट का और एक आता है अपियर का, ठीक है। तो जिन्हों जो पास होंगे वो तो पास ही करेंगे, बट जिन्होंने वहाँ पे मतलब रीअपियर दी होगी या लास्ट सेमेस्टर के कोई बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, तो उन्होंने वहाँ पे किया होगा अपियर्ड, है ना। मतलब अभी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो उनको उनका भी उन्होंने फॉर्म भरा होगा जिनका रीअपियर था, एग्ज़ाम देना था अभी, है ना। तो उन्होंने भी वहाँ पे ये टिक किया होगा कि हम अपियर अभी हैं, अपियर कर रहे हैं, अभी सिक्स सेमेस्टर में हम फाइनल में हैं, ठीक है। चाहे आपकी फर्स्ट में है सप्ली या थर्ड में या फिफ्थ में, किसी में भी है, बट आपने वहाँ पे अपियर्ड टिक किया होगा ना, मतलब इस टाइम हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हो फिर, ठीक है। रीअपियर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो जब आपकी काउंसलिंग, अभी देखो BEd की अभी तो पहले मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल की आपकी सभी की मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद ये दोबारा से एक शेड्यूल जारी करते हैं जिसमें कि आपका काउंसलिंग का बताया होता है कि कौन कौन सी काउंसलिंग किस दिन होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, कब आपको रिपोर्ट करनी है, फीस कब पे करनी है, सब कुछ उस नोटिफिकेशन में बताया होता है। मेरिट के बाद वो नोटिफिकेशन दोस्तों आता है, ठीक है। तो देखो और एक और आपको मैं बात बता दूँ कि आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, चाहे आपका रिजल्ट आया या नहीं आया, काउंसलिंग के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है। और जब आपको ज़रूरत कब पड़ेगी आपके इसकी रिज़ल्ट की, तो ज़रूरत आपको पड़ेगी जब काउंसलिंग आपको रिपोर्ट करनी होगी कॉलेज में, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चेक करते हैं कि आपका क्या आया हुआ है, ठीक है। या तो तब ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर देखो जल्दी होता है किसी को तो यूनिवर्सिटी वाले सीक्रेट रिज़ल्ट भी देते हैं, ठीक है, सीक्रेट रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि आपको पता ही कि HPU का ही डिपार्टमेंट है ना, UG के एग्ज़ाम आपके HPU से ही हुए हैं, और BEd भी HPU ही कंडक्ट करवाता है ना, HPU से ही आपकी एडमिशन होगी, काउंसलिंग होगी, सब होगा। तो ये HPU जो है सीक्रेट रिजल्ट आपको दे देगा, प्रोसीजर का मुझे पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर इसका रहता है, बट सीक्रेट रिजल्ट आपको मिल जाता है, जिससे कि किसी के अगर काउंसलिंग हो, है ना, अर्जेंट किसी को चाहिए हो रिजल्ट, तो वो उस तरीके से मिलता है, फिर सीक्रेट रिजल्ट उसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है 2 दिन कोर्सेज में, तो उन्होंने बोला था कि हम सीक्रेट रिजल्ट बच्चों को दे देंगे ताकि उनकी आगे की काउंसलिंग रुके ना उनकी रिजल्ट की वजह से, ठीक है। तो इसको लेकर बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अगर आपका अभी एग्ज़ाम दे दिया तो इस बार रिजल्ट भी अभी आएगा, जल्दी ही आएगा, और काउंसलिंग के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ एक और बात बता दूँ कि कई बार ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप जो है अपना ग्रेजुएशन के मार्क्स वहाँ पे अपडेट कर दो,
ठीक है, और वो तभी बोलते हैं जब रिज़ल्ट आया होगा, ठीक। अगर किसी का नहीं आया होगा तो उनको सीक्रेट रिज़ल्ट ये दे देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी बात हो गई अभी ख़त्म, रीअपेयर वाले एडमिशन काउंसलिंग में काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अभी, इसका कोई अभी आपको इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीअपेयर वाले काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत आपको कॉलेज जब रिपोर्ट करनी होती है कॉलेज में तब, या फिर हो सकता है कि ऑप्शन दें आपको कि ग्रेजुएशन के मार्क्स आप अपडेट कर दो, ओके। इसके बाद बीएड में इतने नंबर हैं, सीट मिल जाएगी क्या, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देखो किसी की बात मत सुनो, ठीक है। आपके 50 नंबर हैं, 60 हैं, ठीक है, जितने भी आपके नंबर हैं, आपका आपको जो है काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीट भी मिल ही जाती है दोस्तों, ज़्यादातर मैंने देखा है कि सीट मिल ही जाती है। अभी आप मेरिट लिस्ट पहले आने दो, उसके बाद फिर आपको और मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने दो, उसके बाद आपको पता खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है आगे का प्रोसीजर, सब प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे होती है ना, कितनी काउंसलिंग होती है, रिजल्ट कब आएगा, कहाँ पे आएगा, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको फ़ोन से करके बताऊंगा, ओके। तो ये हो गया दोस्तों, इसका हो गया ना अभी कि बीएड में नंबर इतने नंबर हैं, पड़ जाएगा। कोई बोल रहा है नहीं पड़ेगा, तो किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। डीमोटिवेट मत हो आप, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि सभी के सभी जिन्होंने फॉर्म भरे होते हैं, जरूरी तो नहीं कि सभी बीएड ही करेंगे, कईयों ने पीजी के फॉर्म भरे होते हैं, है ना, और कई चले जाते हैं पीजी में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, कई कुछ और कोर्स करने लग पड़ते हैं, कई अदर स्टेट्स में चले जाते हैं कोर्स पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि बीएड के जैसे मान लो जितने मर्जी बंदों ने अप्लाई किया होगा, टेस्ट दिया होगा, तो वो सभी बीएड ही करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लग पड़ते हैं करने, कोई अदर कोर्स कर लेगा, कोई बाहर चला जाएगा, कोई किसी स्टेट में चला जाएगा पढ़ाई करने के लिए, मतलब उन्होंने बैकअप के लिए ये सब फॉर्म भरे होते हैं, पीजी का भी भर देते हैं, बीएड का भी भर देते हैं, या सीयूएचपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी भर देते हैं, कि मतलब यहाँ पे नंबर नहीं पड़ेगा तो यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पर नहीं पड़ेगा तो पीजी में पड़ जाएगा, पीजी में नहीं होगा तो बीएड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, नंबर के किसी की बातों में मत आओ कि हमारे 50 नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, पड़ जाएगा। बाकी दोस्तों बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब पूरा ब्रीफ में। और दूसरों एक और यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सेकंड लिस्ट आती है। दोस्तों सेकंड लिस्ट जो है वो सीटें खाली होती हैं, उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आती है, ठीक है, उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है। जैसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या एम कॉम की सेकंड लिस्ट आएगी। दोस्तों देखो सभी के सभी एम कॉम थोड़ी लग पड़ेंगे करने ना, जिनका नंबर बड़ा है तो वो हो सकता है किसी और कोर्स में चले जाएँ, है ना। तो जैसे ही वो किसी और कोर्स में जाएंगे और मेरिट के हिसाब से अगर आपका नंबर होगा तो वो सीट फिर आपके आपको आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगी, ठीक है, आपका फिर नाम आएगा सिलेक्शन लिस्ट में कि ये इतने बंदे जो है सिलेक्ट हुए हैं। क्योंकि जो पहले सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, उन्होंने मतलब ये ज्वाइन नहीं किया है, और अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वो नेक्स्ट मेरिट के हिसाब से जो बंदा होता है उसको सीट देते हैं फिर, ठीक है। तो इसका भी अभी आपको क्लियर हो गया। एक थे यहाँ पे LLB का के थे स्टूडेंट, वो पूछ रहे थे कि एडमिशन कैसे मिलेगी, मतलब सीटें 200 हैं और 350 को बुलाया है। तो दोस्तों वो देखो वो सीट ऐसे मिलती है कि वो आपकी मेरिट के हिसाब से मिलेगी, जिसके इसके नंबर ज़्यादा होंगे उनको मिलेगी। अगर वो छोड़ देते हैं फिर आपका नंबर आएगा, या वो नहीं करते हैं किसी और कोर्स में चले जाते हैं तो वो फिर सीट आपको मिलेगी, ठीक है। इस हिसाब से आपको मेरिट के हिसाब से सीट में बुलाएंगे तो वो सभी को बुला लेंगे, बट अगर वो सभी के नंबर ले लेंगे फिर आपको बार बार थोड़ी बुलाएंगे वो कि आपके नंबर कितने हैं, आपके कितने हैं, वो एक बार सभी के नंबर ले लेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, ठीक है। जो सिलेक्ट होंगे उनको देखेंगे, वो कुछ टाइम दिया होता है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में अगर वो रिपोर्ट ना करें तो फिर वो नेक्स्ट जो मेरिट के हिसाब से बंदा होता है उसको वो सीट जाती है फिर, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अभी तीसरा है फोर्थ है कि क्या बीएड सेंटर एग्ज़ाम सेंटर चेंज होंगे क्या। दोस्तों अभी इसको लेकर कोई भी मेरे पास तो अपडेट नहीं है, बाकी आप खुद भी चेक करते रहना, ठीक है। फिलहाल मेरे पास तो स्पेशल जो बीएड का तो नहीं आया नोटिफिकेशन, पीजी के लिए आया था, है ना, पीजी के लिए आया था, और बीएड का तो मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल जो है सुबह वाले वीडियो में आप बीएड वालों के लिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा कल कमेंट करके बताना, शायद मैं दोपहर को कोई वीडियो अपलोड करूं, शायद, ठीक है, पक्का नहीं बोल रहा हूं, टाइम लगेगा तो वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा। और सुबह वाली वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा कि आप कमेंट करना या ऐसा करना, ठीक है। तो अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है।
और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, तो बीए वाले, हाँ बीए वालों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, कब तक आएगा। दोस्तों देखो, उन्होंने एचपी ने पहले बोला था कि पहले मेडिकल नॉन मेडिकल के निकालेंगे, साइंस का, फिर कॉमर्स का, फिर बीए का। तो बीए का भी अभी आ जाएगा आपका रिजल्ट, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अगर अर्जेंट है तो आपको जो है सीक्रेट रिजल्ट मिल जाएगा, अगर बिल्कुल अर्जेंट है आपको तो, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, तो इसका मैंने अभी आपको आंसर कर दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।